परेशानी जगह का कम होना सबसे बड़ी परेशानी आ रही है। संसाधन हमने खूब मंगा लिए हैं, बड़े पत्थर हैं और नीचे जाने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। माइनिंग बहुत बेतरतीब तरीके से माइनिंग की हुई है, इस वजह से हमें वहाँ संसाधन को पहुँचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं और अब हम लास्ट स्टेज पर पहुँच गए हैं। हमने एक वायसो मंगा लिया और उस पत्थर को जो बड़ी चट्टान है उसके दो टुकड़े करके हम उसको हाइड्रा मंगा रखी है, हमें बाहर निकाल रहे हैं। उम्मीद है एक घंटे डेढ़ घंटे में इसको इसके ऊपर सफल कार्यप्रणाली, मैं वही बात दोहराऊंगा, संसाधनों के अभाव में कार्यप्रणाली भी बाधित हो रही है, जगह के अभाव में जो गलत तरीके की माइनिंग है और वो छोटी जगह पर माइनिंग करी हुई है, इस वजह से कार्यप्रणाली बाधित हो रही है। रेस्क्यू टीम प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रही है जितना उनसे अपेक्षा थी। अब वो जगह नहीं है तो स्वाभाविक बात है कि वो अपना पूरा नहीं दे पा रहे, पर फिर भी अब हम एक स्टेज पर पहुंच गए हैं। एक ब्लॉक बचा है जो बड़ी चट्टान है, उसको वायर से दो पीस करके हम उसको एक एक करके बाहर निकालेंगे और उसके बाद मुझे लगता है कि हम डिफाइन कर लेंगे। एनडीआरएफ की टीम लगातार पिछले 20 घंटे से कार्यरत है, उनके साथ सिविल डिफेंस की टीम भी है। समस्या केवल यह है कि जो जहाँ पे पत्थर और जेसीबी फंसी थी वो जगह बहुत गहराई में है और जाने का रास्ता बहुत सकड़ा है। जो भी रास्ता उपलब्ध है उसमें वो काम कर रहे हैं और संसाधनों की कोई कमी या नहीं है और कर रहे हैं लगातार, उम्मीद है जल्दी इनको सफलता मिलेगी। तो एसडी देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तो माइन बहुत गहरी है और बहुत ही सक्रिय माइन है, अंदर मशीनें जा नहीं पा रही। काफ़ी बड़ी संख्या में मशीनें यहाँ पर पहले ही मंगाई हुई हैं, उन मशीनों से जो भी प्रयास हो पा रहे हैं वो किए जा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, जो भी संसाधन यहाँ पर हमारे पास में आवश्यकता है वो इकट्ठे किए जा चुके हैं। पर क्योंकि बहुत ही सक्रिय माइन है, बहुत गहराई में मशीन और वो व्यक्ति फंसे हुए हैं, इसलिए अभी समय लगेगा खान मालिक के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो भी विधिक कार्यवाही की जाए। जैसे कि इस माइन की बात अगर मैं करूं तो मुझे ये बताया गया कि ये लीज पर है, अवैध नहीं है। लेकिन सर जो अवैध, देखिए अवैध माइंस के बारे में बहुत ही क्लियर नॉर्म्स हैं, माइनिंग डिपार्टमेंट कार्यवाही करता है। अगर वो हमें इन्फॉर्म करता है कोई माइन अवैध चल रही है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड माइनिंग डिपार्टमेंट ही अपने पास रखता है, यदि वो हमें इन्फॉर्म करें कि कौन कौन सी माइन अवैध चल रही है तो हम भी उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जब तक या फिर वो हमसे जाब्ते की मांग करें, हमें बताएं कि हमें कितना जाब्ता चाहिए, हमें जाब्ता उपलब्ध कराया जाए। सर प्रशिक्षण, देखिए मेरे सामने अभी ऐसा कोई असामाजिक तत्व नहीं आया, जितना कि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सभी लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति का प्रयास है किसी तरह से जल्दी ऑफिस में।